जी हाँ जी, फिजा और मुनीब, द फेमस टिकटॉकर जोड़ी, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप बताएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हमें सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को बताओ यार कि ये टिकटॉक पर फॉलोवर्स बढ़ाने का क्या तरीका है? हर किसी के दिल में यही ख्वाहिश है कि यार हम टिकटॉक पर अपने फॉलोवर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। पानी लें, उसमें नमक डालें, अच्छा उसमें घी डालें, उसको पिए। अंडा इन सब तेल चीजों से दही कुछ सारा भी नहीं लगाएंगे। होता। पहले मैंने लगे कि तुसी देख बनाने दा तरीका दसण लगे हो। आजकल ये टिकटॉक पर जो तरीका फॉलोअर्स आते हैं ना, वो कंटेंट बेस पे ही आते हैं। हाँ जैसे बिल्कुल, आपकी जो वीडियो वायरल जाती है उसी के थ्रू फिर आपको फॉलोअर्स मिलते हैं। ठीक है, यानी कंटेंट अच्छा है, जी पावरफुल है, तो आप लोग लाजमी बूस्ट हो लोग सकते हैं। लोग पसंद कर रहे ऑब्वियसली। हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि लोगों ने आपको पसंद करना है। अगर पसंद पसंद करना, करना है तो जाहिर है कि उन्होंने आपको फॉलो करना हाँ, है। और अगर पसंद करने आप की कोई भी वजह हो सकती है, छोटी सी हाँ भी कोई भी, जो चीज उनको एग्जैक्टली क्लिक कर जाए। अच्छा, बाज हम चीजें देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, और हम हाँ कहते हैं लोग इनको भी पसंद करते हैं। ये पसंद एग्जैक्टली, की बात है, ये चीज वो हाँ, किसी लेकिन को वो भी कर इंटरेस्ट सकते हैं। डिफरेंट होते हैं ना, कि जो हमें बेस्ट लग रही होती है वो समटाइम्स वायरल नहीं जाती, जो बिल्कुल हमें नॉर्मल इसीलिए वीडियो लग रही होती है समटाइम्स बहुत वायरल बहुत जाती है। बूस्ट मतलब हो कुछ जाती लोगों को है। कुछ पसंद होता है, कहीं कुछ पसंद हाँ, होता है। सबसे पहले हमें बताएं आप दोनों में से टिकटॉक बनाने का आइडिया किसका था? मुनीब का था। जबरदस्त फिजा की यार। तो बहुत मिन्नतें करनी पड़ी थी मुझे टिकटॉक पर लाने के लिए। क्या ऐसे ही होता है। देखिए, स्टार्ट जब तक आप किसी चीज को यूज नहीं करते हैं ना, आपको उसका पता नहीं होता है। बिल्कुल जैसे कुछ टाइम पहले मैं भी इसको समझती थी, ऐसी ऐप है, वेस्ट ऑफ टाइम है, ये है वो बिल्कुल है। अच्छा, कुछ लोग कर भी रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं, ये बहुत से बिल्कुल फिजूल कंटेंट चीजें लेकर आ रहे हैं। तो आपको अगर एक ऐप मिली है, जैसे हमें, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कोई, बिल्कुल कुछ साल पहले हम देखें हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं नहीं थी थी, कि अगर हमें कोई टैलेंट है तो वो हम दिखा सकें। लेकिन अब बिल्कुल की जनरेशन को, और अब हाँ के जो लोग, खैर अभी हम भी अभी की अपने आप जनरेशन को है, बोलना शुरू कर रहे हैं यार। लेकिन लेकिन अब जो आ रहे हैं लोग, हाँ, बच्चे न्यू हैं, कमर्स। स्टूडेंट्स हैं, न्यू कमर्स जो हैं, वो देखें आपके पास बेशुमार इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप में कोई बिल्कुल टैलेंट है तो आप दिखाएं, लोग दिखाएं आपको बताएंगे आपको पसंद करते हैं या नहीं करते। एग्जैक्टली, बल्कि मैं कहती हूँ जो चीजें बहुत मुश्किल हुआ करती थी ना, हाँ बिल्कुल कि आप मीडिया पर जाना चाहते हो, अपना टैलेंट शोकेस करना चाहते हो, उस चीज को बहुत ज्यादा इजी कर दी है, मतलब टिकटॉक जैसी ऐप ने, इंस्टाग्राम ने और दीगर चीजों ने। तो बताएं हमें, टिकटॉक से कोई इनकम शिनकम भी है कि बस वेले ही नहीं, बैठे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे? इनकम है, इनकम भी अच्छा है, और हमारा इंटरेस्ट भी है, और मियाँ बिल्कुल बीवी हैं, तो हाँ, बस अभी चल तो रहा काम। इनकम इसकी इस तरह के, वो जो ब्रांड्स वगैरह की प्रमोशन होती हैं, हाँ कैंपेन्स हाँ आती हैं, वो टिकटॉक पे दे रहे हैं, क्योंकि ब्रांड को सबसे यही चाहिए होता है कि उनको व्यूज से ज्यादा आए, हाँ उनका जो बिल्कुल मैसेज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कन्वे हाँ हो, बिल्कुल तो वो आती है। लेकिन ये अब सुनने में आया कि मार्च से ना टिकटॉक ऑफिशियल हो रहा है पाकिस्तान हाँ में, तो फिर बिल्कुल ये पेड़ भी करेगा मतलब हाँ, टिकटॉक फिर पे। देखे ना, आप इसके अलावा ब्रांड्स के लिए भी आसानी है कि ब्रांड बिल्कुल जो है वो पहले हर चीज के लिए पे करते थे, अब उन्होंने करना क्या है कि सिर्फ टिकटॉकर को, कंटेंट राइटर को एक सिर्फ आपने बताना है कि जी ये हाँ हमारी प्रोडक्ट है जिसपे आपने बनानी बिल्कुल है, सोच हमारी है, उसको हाँ डायरेक्ट हमने करना है, उसका बिल्कुल आइडियाज हमने देने हैं, सब कुछ हमने करना है, हाँ, और उनको हमने पूरी एक फुल फॉर्म में दे देनी है चीज, मीडिया तो उनके लिए मीडिया आसानी को भी, होगी। और हमारे जो ड्रामा फिल्म आर्टिस्ट हैं, इनको पहले ना ये हाँ चीज हजम नहीं हो रही थी कि यार ये नहीं हो रही टिकटॉक थी कम्युनिटी क्या है, ये क्यों एग्जिस्ट कर रहे एग्जैक्टली हैं ये। हाँ लेकिन अब आके उनको ये चीज रियलाइज हो गई है कि ये एक हाँ मतलब और फील्ड मैं है, कहती और हूँ बिल्कुल ऐसे ही है। बड़े कुछ ऐसे नाम हैं ना, शो नहीं करना चाहिए, जिन्होंने मतलब टिकटॉक को बड़ा क्रिटिसाइज किया था, हाँ, लेकिन करते मैं हैं कहती अभी हूँ भी लोग अभी भी करते हैं। करते हैं, लेकिन मैं हाँ कहती हूँ एक बहुत अच्छी चीज है यार, हम उस स्ट्रगल से बच गए हैं। बिल्कुल हमें देखें, हमें जो 8-8, 10-10 लाख लाइक आ रहे हैं वीडियो पे, हाँ वो कोई एलियन तो नहीं कर रहे, पाकिस्तानी अवाम ही कर रही पाकिस्तानी है ना, तो आवाम कर यार रही वो है। उनकी आपको हाँ मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो हाँ उनके बल्कि इंटरेस्ट दूसरी से कंट्रीज में करें। भी आप लोगों को देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसे और पहले जैसे बहुत मुश्किल था, हम डिग्रीज के साथ जगह जगह पे जाते थे, हमें रेफरेंस के जॉब्स बगैर नहीं मिले, जा और सकते रेफरेंस आपने, के बगैर तो आपको एंटर भी नहीं होने देते ना। यहाँ बिल्कुल पे ऐसे ही आपके है कोई रेफरेंसेस नहीं है, हाँ सोशल मीडिया ऐप है, आप में टैलेंट है, आप दिखाओ, फिर बस बिल्कुल लोगों तक आप पहुंच जाते हैं। हाँ हम ये एग्जाम्पल हम दोनों, अच्छा ये भी नहीं है कि कोई किसी गलत कंटेंट के साथ, हाँ बिल्कुल अच्छे कंटेंट के साथ भी आप आगे आ सकते हैं, ये भी बिल्कुल आप निकाल दें अपने जहन से कि बिल्कुल, आपने गलत तरीके से ही ऊपर जाना है, बल्कि एक ऐसा चीज होती है, बिल्कुल नहीं है। पॉजिटिविटी की उम्र बहुत ज्यादा लंबी होती है, हाँ नेगेटिविटी एग्जैक्टली, बहुत थोड़े अरसे के लिए आती है। बिल्कुल आप लोगों को टेम्परेरी देखो जो होगी, नेगेटिव वीडियोस बिल्कुल बनाते हैं, वो बस आए और गए, ऐसे चले गए, चले गए, पता भी नहीं, आज उनका किसी को नहीं लोग पता। भूल जाते हैं लेकिन उनको। मैं कहती हूँ सल्यूट है आप दोनों को, आप दोनों का कंटेंट इतना मतलब पॉजिटिव होता है, मैसेज होता है उसके अंदर रिलेटेड टू कपल्स, तो मैं कहती हूँ जबरदस्त है। सबसे पहले हम बात कर चुके हैं टिकटॉक के हवाले से, और अब हम बात करते हैं कपल की, ये इतना खूबसूरत कपल बना कैसे, बिल्कुल,
शादी कैसे हुई? देखें ये तो अल्लाह ने लिखा हुआ था और लिखा हुआ था आसमानों पे बनते हैं और जलील नीचे होते अल्हम्दुलिल्लाह जलील तो नहीं आप हो रहे हैं हमारी ना ऐसी हुई शादी, हमारी वन वीक का टाइम था, उस वन वीक में हमारी शादी वो चट मंगनी पट व्याह वाला बिल्कुल वो ऐसा सीन हुआ था और बस शादी हो गई और शादी हो गई बेटी हो गई इतने तवील सफर को इन्होंने कितना मुख्तसर कर दिया, क्या बात है, शादी हो गई। सही है। फिर टिकटॉक में बिजी रहती हो, घर को कैसे देखती हो जाता है, देखिए मिलजुल कर सब कुछ होता है। अगर आपके साथ जो लोग हैं वो आपका साथ दे रहे हैं तो जैसे हस्बैंड हैं या हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बल्कि कोई सुनता है तो ये भी कहता है कि अच्छा आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये सब कैसे कर लेते हैं ना, जहाँ पे आपके साथ हैं, आपके जो हम अपने सोसाइटी में देखते हैं उस तरह का क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, वो तो नहीं होता है, लेकिन फैमिली फैमिलीज में हो भी, लेकिन जाहिर है कि एक लड़की के लिए घर भी देखना और बाहर भी देखना तो वो तब भी पॉसिबल हो सकते हैं जब आपसे रिलेटेड जो रिश्ते हैं वो आपका साथ देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में सभी मेरे सास ससुर मेरे हस्बैंड तो अभी मुनीब साहब ने बात की है कि स्टार्ट में करना पड़ा था थोड़ा सा, तो जरा बताएं मतलब किस तरह का क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। स्टार्ट में सभी को ही होता है कि यार ये क्या कर रहे हो, मतलब इस तरह नहीं लाना। ज्यादा जो सुनने को पड़ा था ना कि यार लड़की क्यों आ रही है, मतलब आपने करना है आप करो, लड़की को क्यों ला रहे हो। अच्छा, एक मजे की चीज ये थी कि मैं पहले से 4 साल हो गए कि मैं मीडिया में काम करती रही, वो लोग यूज्ड टू थे इस चीज के लिए। नहीं मतलब कहने का मतलब ये है कि उसमें कोई मसला नहीं था, लेकिन जैसे हम टिकटॉक पे मियां बीवी दोनों इकट्ठे आके बना रहे हो, लोगों को सिर्फ टिकटॉक से इश्यू है। देखे अगर ये जो बात करते है ना कि लड़की को कैमरे पे आना ही नहीं चाहिए, एक बड़ा पीछे रिसेंटली ड्रामा वायरल हुआ है पाकिस्तान में, सबको पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं, वो जो टर्की ड्रामा है उसका, अब उसमें करेक्टर सारे लड़कियां ना उसको सब देख रहे हैं, सारे इस्लामिक, उसमें कोई इशू नहीं है। मेरा वो एक ही क्वेश्चन होता है कि यार वो जो हलीमा वगैरह का करेक्टर था ना वो लड़कों से करवाते हैं, लड़की होनी नहीं चाहिए किसी स्क्रीन पे, मतलब ये टीवी शोज में भी आ रही है सारी, मतलब एक चीज है कि मर्द औरत से सारा निजाम चल रहा है, शुरू से एंड तक वैसे ही चलना है, तो बस ठीक है आपकी कुछ लिमिट्स होती है उनमें रह के आप काम करें। और हस्बैंड के साथ तो आप इस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा लिमिटाइज कर लेते हो अपने आप को कि यार हमने ये करना है वो नहीं करना। आप जहाँ जाते हो रिस्पेक्टफुल तरीके से जाते हो, और ऐसी है, और अब मैं टिकटॉक की भाभी बन गई। अब ये मेरी वाइफ है, इसने जो कुछ करना है इसका हिसाब मैंने देना है ना, बाकी को पता नहीं क्या मसला होता है। ऐसा ही होता है।